आपने बिहार के दरभंगा की तस्वीरें देखी। अब आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में हैं और प्रधानमंत्री लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हैं। इंडिया न्यूज की नजर पीएम के प्लान पूर्वांचल पर है, गीता प्रेस की हलचल पर है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर है और क्या प्रधानमंत्री काशी में कोई सरप्राइज भी देने वाले हैं, इस पर भी इंडिया न्यूज की नजरें बनी हैं और टिकी हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश तो जाएंगे लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का भी दौरा है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में रहेंगे पीएम। रायपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। रायपुर में पीएम मोदी विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। रायपुर को 7000 करोड़ की सौगात दी जाएगी। कांग्रेस सरकार में पहली बार रायपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन प्रोटोकॉल के तहत सीएम भूपेश बघेल भी साथ में होंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ 5 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। रायपुर में 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा जो अगली ब्रेकिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे और इस पर इंडिया न्यूज की नजर बनी है। थोड़ी देर के बाद में अंजलि मुदगल जुड़ने वाली हैं लेकिन ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का आज दौरा है। गोरखपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं मेगा सौगात। गोरखपुर में पीएम मोदी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे और पीएम मोदी गीता प्रेस शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अंजलि मुदगल ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं, गीता प्रेस से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। गीता प्रेस ने किस तरीके की तैयारियां की हैं अंजलि, क्योंकि मुझे याद है गीता प्रेस को अंजलि गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान किया गया था। गीता प्रेस ने यह कहा हम सम्मान तो लेंगे लेकिन पुरस्कार राशि 1 करोड़ की हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी 100 साल की परंपरा है, कभी भी हम कोई फंड इस तरीके का एक्सेप्ट नहीं करते जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ जाता हो। गीता प्रेस ने किस तरह से तैयारियां की हैं, शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, गीता प्रेस का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, बताइए भी, दिखाइए भी और लोगों से बात भी कीजिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट किस तरह की तैयारी कर रहा है इसका जिक्र चूंकि आपने किया, बोर्ड सदस्य मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं आगे बात करूंगी लेकिन मैं आपको बता दूं गीता प्रेस के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं। देखिए 1923 में गीता प्रेस एग्जिस्टेंस में आया और अब 100 साल गीता प्रेस के पूरे हो चुके हैं। शताब्दी वर्ष समापन समारोह गीता प्रेस मना रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब गीता प्रेस में कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा हो। इससे पहले 2 राष्ट्रपति जरूर गीता प्रेस आए हैं लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार देश का गीता प्रेस पहुंच रहा है। तैयारियां बेहद खास की गई हैं। 2:15 से 2:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधा गीता प्रेस प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन पीएम मोदी जाएंगे जहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी की तरफ से दिखाई जाएगी। गीता प्रेस के अगर कार्यक्रम की बात करें, देखिए जो पूरा कार्यक्रम है गोरखपुर में रहने का 110 मिनट का है। करीब 110 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में रहेंगे और ज्यादा समय उनकी तरफ से गीता प्रेस में बिताया जाएगा। सुरक्षा की अगर बात करें तो बेहद खास और कड़े इंतजाम किए गए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा कड़ा पहरा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए 8 SP, 8 additional SP, 22 CO, 40 inspector, 190 दरोगा समेत यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई, अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है, SPG है, PAC की कंपनी यहां पर है। ये गीता प्रेस के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं राशिद जी, तैयारियां यहां पर सभी पूरी हो चुकी हैं। पलके बिछाकर गीता प्रेस का मैनेजमेंट बैठा हुआ है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहा है। बोर्ड सदस्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे हमने कल भी बात की थी चूंकि हम कल से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं और तैयारियों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल बोर्ड सदस्य, इनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, तैयारी है पूरी स्वागत, पूरी तैयारी आप देख ही रहे हैं, पूरी तैयारियां स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई है। क्या आप, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि समापन समारोह है शताब्दी वर्ष का, सोचा था पीएम मोदी आएंगे और गीता प्रेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी सनातन की सेवा अगर किसी ने देश में की है तो वो गीता प्रेस ने की है। आज 100 साल पूरे होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, सब गीता परिवार को पूरा बहुत खुशी महसूस हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं और गीता प्रेस आज तक विश्व को शांति, सदाचार और भाईचारे का संदेश देता आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पधारने से इसमें हमें पूरी ऊर्जा मिलेगी और ज़्यादा। मैं देख रही थी जब मैं यहाँ पर आ रही थी, रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक का जो पूरा रास्ता है बैरिगेटिंग की गई है दोनों तरफ से और पूरी तैयारी, अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत होगा, पुष्प वर्षा की जाएगी, गीता प्रेस कैसे स्वागत करेगा, गांधी शांति पुरस्कार से भी आप लोगों को नवाजा गया, आप लोगों ने कहा कि हम सम्मान तो ले लेंगे, ये परंपरा आपने तोड़ी लेकिन 1 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं लेंगे, उसका क्या किया जाएगा?
ये परंपरा से ही चला रहा है कि गीता प्रेस किसी से कोई सहयोग राशि लेते नहीं है। ये महापुरुषों का पहले से ही ऐसा विधान है इसमें, इसलिए नगद राशि अंजलि अंजलि आपके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान पूर्वांचल भी मैं समझूंगा, क्योंकि आपने गोरखपुर का दौरा किया है, आपने गीता प्रेस की रिपोर्ट फाइल की है जो हम कल शाम से ही इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप ही के जरिए मैं गोरखपीट में क्या चल रहा है या फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन को कैसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, कैसे इसका पुनर्विकास किया गया है, कैसे इसे वर्ल्ड क्लास का बनाया गया है, ये सब कुछ मैं जानूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि वाराणसी में भी हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा होता है, जब काशी बम बम बोल रहा होता है, जब प्रधानमंत्री फिर से ये कहने वाले हैं कि मुझे फिर से माँ गंगा ने बुलाया है, ये भी मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। आप देखें आकाश लाइव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी भी जाएंगे, यानी गोरखपुर के बाद में प्रधानमंत्री शाम में वाराणसी में रहेंगे। शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, वाराणसी को विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं। वाराणसी में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा और कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी है 2024 से पहले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का यह दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। आकाश यादव वाराणसी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आकाश, मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री जब पूर्वांचल में है, गोरखपुर और वाराणसी में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गोरखपुर वाराणसी में होने का मतलब पूर्वांचल से है, गोरखपुर वाराणसी में होने का मतलब यह है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री एक इमोशनल कनेक्ट स्थापित करेंगे जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, इन सभी मुगल सराय, इन सभी इलाकों में? बिल्कुल राशि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, लेकिन अब ये मानना तय होगा कि पूर्वांचल नहीं, पीएम मोदी काशी में जरूर जनसभा करेंगे लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों पे अपनी नजर रखेंगे। देखिए, आज शाम 5 बजे जब पीएम मोदी काशी में आएंगे, एक बार फिर काशी की जनता हर हर महादेव की जय घोष से उनका स्वागत करेगी। देखिए, पीएम मोदी 5:30 बजे काशी में पहुंचेंगे, सबसे पहले वाजिदपुर गांव में जनसभा करेंगे। जनसभा में लगभग 14,000 लाभार्थी रहेंगे, उसके साथ ही 50,000 काशी की जनता रहेगी उनकी जनसभा को सुनने के लिए। महिलाएं रहेंगी जिनसे संवाद पीएम मोदी करेंगे, वो महिला लाभार्थी रहेंगी। उसके बाद पीएम मोदी, देखिए मैं जहां मौजूद हूं यहीं पर आएंगे, ये बनारस रेल इंजन कारखाना है, यहां पे कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करेंगे, यानी कि मिशन पूर्वांचल की रणनीति तय होगी। इसमें 120 पदाधिकारी रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, उन सबसे टिफिन पे चर्चा होगी। ये चर्चा जनसभा के बाद होगी, तो यहाँ पे भी तैयारियां पूरी हो गई है। देखिए, बैनर पोस्टर होर्डिंग से पूरे जो बरेका आकाश यादव आप रहे हैं, सुशील कुमार भी मेरे कोलीग सुशील कुमार भी इस वक्त गोरखपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर क्या चल रहा है ये बताएंगे मुझे सुशील। सुशील, मेरी जानकारी में लगभग 498 करोड़ खर्च किए जाने हैं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और इसमें रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक वंदे भारत की सौगात भी मिलेगी। इस बात को लेकर के गोरखपुर कितना उत्साहित है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तैयारियां क्या है? बिल्कुल राशि जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो उसको लेकर के यहाँ पर लोग पलके बिछाकर बैठे हुए हैं, और जब यहाँ आएंगे तो इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी प्लेटफॉर्म नंबर पर, इसी जगह पर वंदे भारत आ रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊँ कि वंदे भारत जो है सामने आपको खड़ी नजर आ रही है, वंदे भारत बस आने वाली है, सामने आपको वंदे भारत नजर आ रही होगी, और कुछ ही देर में जब यहाँ पर आएगी तो SPG अपने सुरक्षा में उसको ले लेगी। और ये जो सामने जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास, ये वो तैयारी है जहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, और सामने जो बैरिकेटिंग के आगे आप देखेंगे तो वहीं से फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। और निश्चित रूप से केवल वंदे भारत ही नहीं बल्कि जो है यहाँ पर तकरीबन 498 करोड़ के आसपास की लागत से पुनर्निर्माण जो रेलवे स्टेशन का होना है उसका जो आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। और रेलवे स्टेशन ने तकरीबन 50 साल आगे तक सोच करके कि यात्री कितने ज़्यादा यहाँ पे आएंगे उसको लेकर के इस रीमॉडलिंग का जो है स्टेशन का काम शुरू होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। चूँकि हाईटेक तरीके से ये पूरा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें फूड प्लाजा से लेकर के और पार्किंग से लेकर के तमाम वो व्यवस्थाएँ मौजूद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सामने जो रोडवेज बस स्टेशन है जो सड़कों से होकर कोई जाता है, लेकिन उसके बनने के बाद सीधे रोडवेज से लेकर रेलवे स्टेशन आ जाएगा, और रेलवे स्टेशन के फुटवे सुशील अंजलि भी मेरा इंतजार कर रही हैं। अंजलि, चूंकि आप गीता प्रेस से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, मैं आपके जरिए ये जानना चाहूंगा,
गीता प्रेस को लेकर के हाल के दिनों में विपक्ष ने जितने विवाद खड़े करने की कोशिश की, जितने उलझुल बयान दिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे भी लेकर के जवाब देंगे? गीता प्रेस के बारे में बताती चले आप दिखाएं। गीता प्रेस वो जिसने अभी तक पिछले 100 साल में लगभग 16 करोड़ श्रीमद भगवद गीता की प्रतियां छापी हैं। पुराण, उपनिषद ग्रंथ, श्री रामचरित मानस, तुलसी साहित्य, करोड़ों की तादाद में इनका पब्लिकेशन गीता प्रेस से होता है। और गीता प्रेस के बारे में बताएं और तस्वीरें जितनी हो सके दिखाती चलें। बिल्कुल, देखिए गीता प्रेस के बाहर चूंकि मैं मौजूद हूँ, और गीता प्रेस अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो कि नो प्रॉफिट और नो लॉस के सिद्धांत पर चलती है। शायद ही इस तरह की कोई संस्था आज के दौर में राशिद जी मौजूद होगी। तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पर हलचल भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखिए लोगों के अंदर, भीतर जाने की तो हालांकि इजाज़त नहीं है, लेकिन बाहर लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। अब यहाँ पर तमाम जो अधिकारी थे वो पहुँचे हुए थे, और कल खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी तैयारियों का जायज़ा लिया गया था। गीता प्रेस का चूँकि आपने जिक्र किया, हम सब जानते हैं कि किसी भी हिंदू परिवार में, किसी भी सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति के घर पर गीता प्रेस की किताब ज़रूर मिलेगी। 2 कमरों से गीता प्रेस की शुरुआत हुई थी, और फिर 2 कमरों वाला गीता प्रेस जब 1923 में स्थापना हुई, उसके बाद आज 2 लाख वर्ग मीटर की अपनी खुद जगह है। मैं सही कह रही हूँ, 2 कमरों से शुरुआत हुई और आज बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया है जी, आपके सामने है, इतना बड़ा परिसर है, उसके अंदर में ये कार्य पूरा चल रहा है। भगवान की कृपा से खूब बढ़िया से काम हो रहा है, और सत साहित्य की खूब लोगों में प्रचार प्रसार और डिमांड भी खूब है। मोदी जी आ रहे हैं आज, कैसा लग रहा है, उत्साहित है? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी हमारे आ रहे हैं। मोदी जी हमारे बहुत अच्छा विकास किए हैं पूरे भारत के लिए, और अच्छे से अच्छा भी काम कर रहे हैं। उनके आने के खुशी में बहुत हम लोग उनको बहुत बड़ी बधाई हम लोग दे रहे हैं। गोरखपुर को बड़ी सौगातें आज दे रहे हैं मोदी जी, गोरखपुर बहुत बड़ी खुशी की बात है। आ रहे हैं उनके बहुत बहुत बधाई हो, सारे नगरवासियों के साथ साथ में बहुत खुशी की बात है, इससे बड़ी खुशी क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। गीता प्रेस, शायद ही आसपास के ये सभी लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे गीता प्रेस की, और यहाँ पर देखिए जो पहुँचने का सिलसिला अधिकारियों का वो शुरू हो चुका है। गीता प्रेस की अगर हम बात करें तो 1923 में स्थापना हुई थी, और अब शताब्दी वर्ष समापन समारोह गीता प्रेस मना रहा है। और ठीक आपने कहा राशि जी, जब गीता प्रेस एग्जिस्टेंस में आई थी तो उस वक्त भी बहुत सारी चुनौतियां गीता प्रेस के सामने थी, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए गीता प्रेस ने अपनी एक अलग जगह बनाई। कई करोड़ जो पुस्तकें हैं उसको छापने का काम गीता प्रेस ने किया है, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो या फिर पुराण हो, वेद हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, अलग अलग किताबें। और आज भी गीता प्रेस की जो प्रकाशन में छपी पुस्तकें हैं उसकी शुरुआत 2 या 3 रुपये से होती है, और बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं हैं। वक्त ज़रूर बदला, लेकिन क्वालिटी के साथ गीता प्रेस ने कोई समझौता नहीं किया, और यही वजह है कि गीता प्रेस में एक विश्वास लोगों का जो है वो आज भी कायम है। आज भी आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको गीता प्रेस की जो किताबें हैं वो वहां पर बिकती हुई नजर आएंगी। हर घर में जो सनातन धर्म से जुड़ा है, जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, उन सभी के घर में क्यूरियोसिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाकई में गीता प्रेस को, गीता प्रेस पहुंचने को लेकर के है, और आपने ब्रिलियंट रिपोर्टिंग की है, आपने इनसाइड स्टोरीज भी बताई हैं। अभी के लिए अंजलि आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील आपका और आकाश वाराणसी से रिपोर्ट कर रहे थे, और अंजलि यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, उत्तर प्रदेश के ही पूर्वांचल में, और बनारस से 56 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। लिहाजा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में होते हैं तो फिर ऐसे में अपने आप में एक अलग तरीके का उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में उत्साह होता है। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब एक बार पूर्वांचल के किसी भी शहर में चले जाएं, इसका मतलब ये होता है कि पूरे पूर्वांचल को फतेह करने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना करके रखा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आएंगे। तो दिल्ली में बाबा के दरबार में किसकी पर्ची निकलने वाली है, किसकी अर्जी लगने वाली है, इस पर मेगा कवरेज।